प्राची महेश्वरी है। कंपनी का नाम पिनला सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी नोएडा 63 में है एंड हमारी जो कंपनी है वो नॉन आईटी कंपनी है, जहाँ पे बैकएंड कॉलिंग और सेल्स प्रोसेस के लिए काम होता है, हायरिंग चलती है। अभी जो रिसेंटली हमारी हायरिंग्स निकली हैं वो बैकएंड और कॉलिंग के लिए है प्लस सेल्स के लिए है। क्वालिफिकेशन बेसिक 12 पास भी चल सकता है। बैकएंड की प्रोफाइल में बच्चे को क्या काम करना होगा? मैम प्रेशर भी कर सकते हैं अगर जैसे बच्चे को कुछ नहीं आता है और नॉर्मल वो बस बेसिक कंप्यूटर चलाना उनको आता हो और इनको मतलब बेसिक पेंट यूज़ करना आता हो, क्योंकि स्वागत है आप सभी का एक और ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन में। आज मैं जो अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ ये डायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्ट कैसे कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के थ्रू कोई ओपनिंग नहीं है। कंपनी का नाम है पिंडा सॉल्यूशन जो कि खुद के लिए लोगों को हायर कर रही है। 15 ओपनिंग्स यहाँ पर हैं, बैकेंड के लिए कुछ ओपनिंग्स हैं, सेल्स के लिए कुछ ओपनिंग है। तो आज मेरे साथ है प्राची मैम जो कि आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगी कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स पर हायरिंग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, सैलरी आपको कितनी दी जा रही है, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी प्राची मैम के थ्रू। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मैम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं और अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट करते हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताइए और आपकी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए और कौन सी प्रोफाइल्स के लिए आप लोगों को हायर कर रही हैं ये भी बताइए। ठीक है, तो मेरा नाम प्राची महेश्वरी है। कंपनी का नाम पिनला सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी नोएडा 63 में है एंड हमारी जो कंपनी है वो नॉन आईटी कंपनी है, जहाँ पे बैकएंड कॉलिंग और सेल्स प्रोसेस के लिए काम होता है, हायरिंग चलती है। अभी जो रिसेंटली हमारी हायरिंग्स निकली हैं वो बैकएंड और कॉलिंग के लिए है प्लस सेल्स के लिए है। अच्छा, तो अभी आपको अगर हम बात करें कि कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपने दो अपॉर्चुनिटीज़ बताई, बैकएंड एंड सेल्स, राइट राइट मैम। तो जो बैकएंड की प्रोफाइल है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब बच्चे को की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए? क्वालिफिकेशन बेसिक 12 पास भी चल सकता है। अच्छा, और जो सेल्स की है उसके लिए भी? सेल्स के लिए भी 12 पास चल सकता है। अच्छा, बैकएंड की प्रोफाइल में बच्चे को क्या काम करना होगा मैम? बैकिंग की प्रोफाइल में बच्चे को 20% कॉलिंग करना होगा जिसे सॉफ्ट कॉलिंग कहते हैं। okay. और 80% बैकिंग का काम है। ये जस्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए उनको कस्टमर से बात करनी है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। okay. उनके प्रोडक्ट की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मंगानी है ऑन कॉल। okay. उसके फिर उनका कैटलॉग क्रिएट करके उनको चेक कराना होता है। अच्छा, कैटलॉग भी उनको खुद से क्रिएट करना होगा? एक जस्ट फॉर्मेट होता है कैटलॉग का, बस उनको डिटेल्स फिलअप करनी है और वो सबमिट करना है। अच्छा, तो कैटलॉग बनाने के लिए उनको स्किल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कि आना चाहिए उनको? नहीं, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बेसिक नॉलेज हो उनको, मतलब सर्च करना आता हो गूगल पे, बस यही बेसिक इंक्वायरी उनको मतलब रिक्वायरमेंट होगा। एक्सेल वगैरह बेसिक नॉलेज हो, एक्सेल की एडवांस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बेसिक नॉलेज हो। अच्छा, क्या इस वैकेंसी में फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं? एक्सपीरियंस? हाँ, बिल्कुल फ्रेशर भी कर सकते हैं। अगर जैसे बच्चे को कुछ नहीं आता है नॉर्मल वो बस बेसिक कंप्यूटर चलाना उनको आता हो और इनको मतलब बेसिक पेंट यूज़ करना आता हो, क्योंकि कभी कभी जो कस्टमर इमेजेस देते हैं उनका बैकग्राउंड वगैरह क्लीन करना होता है, सो वो बेसिक चीज़ें उनको आती हैं। अच्छा, और जो सेल्स की प्रोफाइल है मैम उसमें क्या करना है बच्चे को? जो सेल्स की प्रोफाइल है उसमें रिक्वायरमेंट थोड़ा सेल्स का ही एक्सपीरियंस हो तो बेटर होगा। ओके, एंड जो सेल्स है वो हमारा ओवरड्राफ्ट और पर्सनल लोन के लिए है। okay. जो हम कस्टमर्स को कॉल करते हैं, उनसे फॉलोअप लेते हैं, जो कस्टमर इंटरेस्टेड होते हैं उनकी डिटेल्स मंगाना, उनके डॉक्यूमेंट्स मंगाना, फिर उनको क्रॉस चेक कराना कि वो कितने के लिए एलिजिबल हैं, क्या इंटरेस्टेड उनको मिलने वाला है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन का फॉलोअप तो जब तक वो केस उनका डिसबर्स नहीं होता कस्टमर के अकाउंट में। ओके, वो चीज़ें हैं। अच्छा, सैलरी मैम कितनी लगभग दी जा रही है अगर हम बैकएंड की बात करें तो कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी? बैकएंड की अगर हम बात करें तो बैकएंड में अप टू 15K आपको मिलेगा प्लस इंसेंटिव है जो कि फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो सकता है। अच्छा, और सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें सैलरी? जब हम सेल्स की बात करें तो उसमें कमीशन बेसिस पे है, आप जितना डिस्पर्स कराते हैं उसका 1% आपको मिलता है।
अच्छा ठीक है मैम, तो नंबर्स आपने बताया कि 10 लोगों की ज़रूरत है बैकएंड में और 15 लोगों की, 5 लोगों की ज़रूरत है सेल्स में। अच्छा मैम, ये कब तक हायरिंग्स चलेंगी? लगभग 2 वीक्स। 2 वीक्स तक हायरिंग चलेंगी। अच्छा, अब अप्लाई करने के लिए जैसे बच्चे आएंगे तो उनके डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या उनको लेकर के आना होगा? जब वो इंटरव्यू के लिए आएंगे तो बेसिकली अपना रिज्यूम और आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। आफ्टर ज्वाइनिंग उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अच्छा, जैसे हमारी वीडियो ग्लोबली मतलब पूरे इंडिया के लोग यहाँ पर देखते हैं, तो क्या इस अपॉर्चुनिटी में आपको लोकल के बंदे चाहिए या कहीं का भी बच्चा हो लेकिन यहाँ पर आकर के काम कर सके वैसे बच्चे चाहिए? कहीं का भी बंदा हो आकर यहाँ काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस की अपॉर्चुनिटी है नोएडा सेक्टर 63। बट जो बैकएंड प्रोसेस है अगर उसमें कभी कभी कुछ सिनेरियोस में अगर उन्हें वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। हाइब्रिड प्रोसेस, ओके ठीक है मैम। तो अप्लाई करने के लिए आप हमें फॉर्म दे रहे हैं या कॉन्टैक्ट नंबर, कैसे बच्चे अप्लाई करेंगे? जिनको अप्लाई करना है वो गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से इजीली हम उनको फिर कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके, कोई फीस कोई चार्जेस वगैरह? फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी आई है, ये जो कंपनी है पिंटा ये खुद के लिए लोगों को हायर कर रही है, किसी दूसरी कंपनी के लिए हायरिंग नहीं कर रही है। 15 ओपनिंग है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स कम है, लेकिन आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपको बैकएंड में काम करने का मौका मिल रहा है, प्लस अगर आप सेल्स में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो सेल्स में भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिटेल इन्फॉर्मेशन jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी है। आप गूगल पर टाइप कीजिए www.jobnow247.in। जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैम से मुझे यहाँ पर मिली है प्लस जो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो अप्लाई लिंक यहाँ से मिला है वो मैंने सभी आपको इस वेबसाइट पर दे दिया है। साथ ही आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जो कि अभी इस वक्त नोएडा सेक्टर 63 में काम ढूंढ रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च आउट कर रहे हैं। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।